नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र में बदली हुई सियासी हलचल के साथ, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। आज फडणवीस के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि वो अगले एक्शन प्लान के बारे में आज अपने पद से खोलेंगे। बीजेपी ने अपने विधायकों को मुंबई पहुंचने का फरमान जारी किया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि फडणवीस का शपथ ग्रहण 1 जुलाई यानी कि कल हो सकता है। आज उनके आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है। इसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं उनके शपथ ग्रहण को लेकर। किस तरीके से सरकार बनाई जाएगी, उसका स्वरूप क्या होगा, कितने मंत्री पद बीजेपी रखेगी, कितने बागी विधायक जो शिंदे के साथ है उनको दिए जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की जा सकती है। उद्धव के इस्तीफे के बाद नई सरकार पर हलचल अब तेज हो चुकी है, क्योंकि ज्यादा टाइम यहां पर नहीं गंवाना चाहते हैं। 1 जुलाई को शपथ ग्रहण हो सकता है फडणवीस का, उनकी ताजपोशी हो सकती है। कल भी इस बात के संकेत मिले थे, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं फडणवीस। और उसके बाद फडणवीस के घर आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, तो ऑपरेशन लोटस यहां पर अपने मकान तक पहुंचता हुआ बैठक के बाद फडणवीस ये फैसला करेंगे कि अगले कदम क्या होंगे। बीजेपी पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा, साथ ही गोवा से मुंबई आ सकते हैं शिंदे का बागी खेमा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद सत्र स्थगित करने का फैसला किया गया। हालांकि ये सत्र खासतौर पर प्लॉट टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पहले इस्तीफा हो चुका है उद्धव ठाकरे का। कल देर शाम इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे थे उद्धव ठाकरे। उससे पहले उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान फेसबुक लाइव के जरिए किया था और इस्तीफे के बाद इस सत्र को स्थगित कर दिया गया है। पहले आज सुबह 11 बजे से 5 बजे तक यह विशेष सत्र बुलाया गया था। उद्धव के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र सियासत के हर अलग अलग पहलू की बात हो रही है। बीजेपी सरकार बनाने को लेकर सक्रिय हो गई है, जश्न का माहौल है। उद्धव के खेमे में दरअसल मायूसी छाई हुई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। शपथ ग्रहण पार्ट 1 जो कि 31 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जब 5 साल कार्यकाल फडणवीस ने पूरा किया था। उसके बाद शपथ ग्रहण पार्ट 2 यानी कि 23 नवंबर 2019 को दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कल यानी कि 1 जुलाई को तीसरी बार फडणवीस शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे गोवा से जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई में जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, क्या कल शपथ ग्रहण होगा इसको लेकर आज बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, इसमें फुल एंड फाइनल फैसला हो जाएगा इस पर? बिल्कुल, आज पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है और सरकार फॉर्मेशन को लेकर। हालांकि 2 दिन पहले खबर यही थी कि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच फार्मूले पे सहमति बन चुकी है कि कैसे सरकार बनेगी, कितने मंत्री किसके होंगे, सारी चीजें देखिए पहले से ही तय था, क्योंकि इन पूरे आश्वस्त थे बीजेपी और एकनाथ शिंदे कि अब उद्धव ठाकरे का जाना तय है। और उसी को देखते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तमाम तैयारियां कर चुके थे और आज फाइनल उस पर मीटिंग होगी। कल उद्धव एकनाथ शिंदे ने भी, जब मैं गुवाहाटी में था वहां मीडिया से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था पहले तो ट्रस्ट वोट होगा, उसके फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाकर अपने विधायकों की आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन आज क्योंकि फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा है, करीब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, तो आज बीजेपी अपनी बैठक करके रणनीति बनाएगी। लेकिन अभी तक खबरें ये आ रही हैं कि कल शपथ ग्रहण 1 तारीख को हो सकता है। और दूसरा ये खास बात यह है कि सीटी रवि दिल्ली से जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मुंबई पहुंच गए हैं रात को, और आज वो भी उनके साथ बातचीत करके आलाकमान का क्या निर्देश है, लगातार देवेंद्र फडणवीस भी बातचीत कर रहे हैं, अमित शाह नड्डा से मुलाकात भी हुई थी और तमाम तैयारियां, एक फॉर्मेलिटी बची हुई है, पहले से ही पूरी प्लानिंग थी। दूसरी बात मैं बता दूं, संजय राउत के घर पे मैं खड़ा हूं इस वक्त। संजय राउत जो कि सरकार फॉर्मेशन में चाणक्य की भूमिका में थे,
शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अब जब सरकार गई है तो उन्हीं के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि वही कल्प्रिट है, उन्होंने जो ऐसे बयान दिए उन्हीं की वजह से शिवसेना से ये गुट अलग हुआ, तमाम ब्लेम इनके ऊपर हो रहा है। अभी तक संजय राउत बोले नहीं है कल के बाद से, आज उम्मीद है कि थोड़ी देर में वो मीडिया से बात करके, जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, महा विकास अघाड़ी की सरकार गिरी है, उन तमाम चीजों पे जो उनके ऊपर आरोप लगे उन सबका जवाब संजय राउत देंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे गोवा से। आशुतोष, आज ही बागी विधायक मुंबई की फ्लाइट ले रहे हैं या फिर कुछ और कयास लगाए जा रहे हैं, अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी? नेहा, दरअसल आज 7:55 पे इन सभी विधायकों को निकलना था, लेकिन वो स्थिति तब थी जब फ्लोर टेस्ट होता, क्योंकि ये लगभग 9:30 तक मुंबई पहुंचते और फिर सही समय पर विधानसभा पहुंचना था। लेकिन बीती रात जो परिस्थितियां बदली है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो अब यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति है। हालांकि जो जानकारी मिली है वो ये कि एकनाथ शिंदे शायद शाम तक मुंबई पहुंचेंगे, क्योंकि जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है सरकार गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, वो उसका हिस्सा बने रहना चाहते हैं। लेकिन बाकी के जो विधायक हैं वो गोवा में इसी ताज होटल में मेरे ठीक पीछे, ये यहीं पर रुके हैं। 11 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है शिंदे गुट के तमाम नेताओं के साथ, जिसमें निर्दलीय भी होंगे और बीजेपी शिवसेना के जो बागी नेता वो होंगे। उसके बाद 2 बजे यानी 2 बैठकें आज यहां पर होनी है। इन बैठकों में शायद किसी तरह का रेजोल्यूशन और प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, क्योंकि औपचारिक तरीके से यह ऐलान होना भी बाकी है कि ये किसी गुट में मर्ज करेंगे या फिर बीजेपी को समर्थन देंगे, अलग गुट बनाएंगे, और अगर गुट बनाते हैं शिवसेना का तो क्या उसको रिकॉग्निशन उस तरह की मिलती है कि असली शिवसेना ही है। उन्हीं चुनौतियों को लेकर के यहां 2 बैठकों का आज दौर होगा। शिंदे शाम को जाएंगे और प्रस्ताव में, वो औपचारिक प्रस्ताव जब सामने आएगा तब ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर अगर बीजेपी की जब सरकार बनानी है तो शिंदे ग्रुप उसमें किस तरह की भूमिका अदा करेगा। फ्लोर पर समर्थन देना अलग बात है, लेकिन कई सारे जो कानूनी दांव पेच हैं, जो अड़चने हैं, उसका निपटारा कैसे होगा, उन्हीं पर नजर रहेगी जब यहां पर दोनों बैठकें आज पूरी होंगी। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी में क्या प्रतिक्रिया हुई है देखिए। 100% विश्वासघात है। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को कानूनन संविधानिक चुना गया, कार्याध्यक्ष करके पहले वर्किंग प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट करके चुना गया। अब ये सारी चीजें शिवसेना पार्टी के छिप कौन है, शिवसेना की डिसिप्लिन खुद की अलग है, और इस तरह से वो काम करते हैं उसको देखकर अगर कुछ दर्द था तो वहां जाके बोलना था, पराए घर में जाकर अपना दर्द बोलना तभी तो विश्वासघात है, वहीं से तो शुरुआत हुआ ना। आप आसरा कहां ले रहे हो? आसरा भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में ले रहे हो, वो गुजरात होने दो या असम होने दो, तभी पता चलता है ना इसके पीछे कौन खेल खेल रहा है, वो भी तो पता चलता है। अंततः सत्य का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की सरकार अपने अहंकार को चलते हुए विगत 9 दिनों से लोगों के पेशेंस का इंतजार कर रही थी। जब तुम्हारे पास बहुमत के आंकड़े नहीं है, विधायक छोड़ के चले जाए हम समझ सकते, इनको तो इनके कैबिनेट मंत्री छोड़ करके गए। देश में किसी प्रांत में आपने देखा कि इतनी बड़ी मात्रा में कैबिनेट मंत्री छोड़ के जा रहे? इस सरकार को एक पल भर भी अपने कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल देर शाम इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फेसबुक लाइव के जरिए इस्तीफे की घोषणा करते हुए उद्धव खुद कार ड्राइव करते हुए राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा। महाराष्ट्र की सत्ता की स्टेयरिंग छोड़ने के ऐलान के करीब 1.5 घंटे बाद उद्धव अपने बेटे आदित्य और तेजस के साथ खुद कार ड्राइव करते हुए कुछ इस अंदाज में राजभवन पहुंचे। उद्धव के काफिले के साथ उनके भरोसेमंद मंत्री अनिल परब भी थे। राजभवन में उद्धव करीब 35 मिनट रहे। ये राजभवन के अंदर की तस्वीर है जहां उद्धव राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा सौंपते नजर आ रहे हैं। कोश्यारी ने फौरन उद्धव का इस्तीफा स्वीकार कर दिया और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने का निर्देश दिया। इस्तीफे के दौरान उद्धव सहज नजर आ रहे थे, आदित्य के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन राजभवन में उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब कुछ उद्धव समर्थक नारेबाजी करने लगे।
आसमान से पानी बरस रहा था और महज 2.5 साल के शासन के बाद उद्धव सरकार की विदाई हो रही थी। इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव जब राजभवन से निकले, बारिश के बावजूद अच्छी खासी भीड़ थी। समर्थक उद्धव के समर्थन में नारे लगा रहे थे। मातोश्री पहुंचने से पहले उद्धव रास्ते में खंडेरा महाराज मंदिर पहुंचे। आदित्य के साथ मंदिर के भीतर उद्धव करीब 1.5 मिनट रहे। दर्शन के बाद मंदिर से निकले उद्धव चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। कार के भीतर से हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और मातोश्री के लिए बढ़ गए। लेकिन आज तक के सवालों का जवाब देने के लिए आदित्य जरूर सामने आए। अभी काम करेंगे, जितना प्यार मिला लोगों का आप देख रहे हो, लोगों की रिस्पांस, लोगों का रिस्पांस देख रहे हो और सभी को पता है कि सत्य उद्धव साहब के साथ। ये एक भावनात्मक, ये प्यार है लोगों का सामने, डिसग्रेसफुल डेथ ऑफ डेमोक्रेसी और यहाँ प्यार मिल रहा है। सियासत में प्रतीकों की अपनी अहमियत है। इस्तीफा देने के बाद मंदिर जाकर जहां उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा पर अड़िग रहने का संदेश देने की कोशिश की, वहीं खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि बेशक सूबे की कमान उनके हाथ से निकल गई है, लेकिन पार्टी की कमान उनके ही हाथों में है। विद्या के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए, सबकी निगाहें अब शिंदे कैंप पर टिकी हुई हैं। किस तरीके से या बीजेपी के साथ मर्ज होने वाले हैं, किस तरह से पार्टी का फॉर्मेशन होगा, कैसे सरकार बनाई जाएगी, इन तमाम चीजों पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच आज की कोर कमेटी काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि इस पर अब सब फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी आगे अब क्या करेगी। शपथ ग्रहण तो हो जाएगा, उसके बाद आगे क्या? देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीजेपी की बैठक है 11 बजे। बीजेपी के विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस की कोर कमेटी की, कोर ग्रुप की जो बैठक है, उसके बाद जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो या दूसरे तमाम लोगों के साथ एक कंबाइंड बैठक होगी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। और उसके बाद सरकार फॉर्मेशन को लेकर कल शपथ ग्रहण की पूरी संभावना है। लेकिन आज सीक्वेंस ये रहने वाला है, पहले बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, विधायक उसमें मौजूद रहेंगे, उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट और दूसरे जो समर्थक लोग हैं वो इसमें एक कंबाइंड बैठक होकर के विधायक दल का नेता चुना जाएगा सबसे पहले आज देवेंद्र फडणवीस को। और उसके बाद कल पूरी तैयारी है इनकी शपथ ग्रहण की, और उसके बाद आगे की कितने मंत्री होंगे एकनाथ शिंदे गुट के, एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका रहेगी, क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इन तमाम चीजों पर आज इनकी बैठक होनी है, बीजेपी की भी और एकनाथ शिंदे गुट की भी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक होगी जिसमें ये तय किया जाएगा। हालांकि 2 दिन पहले भी ये खबरें आई थी कि तमाम चीजें तय हो चुकी हैं, जो फॉर्मूला है उस पर सहमति बन चुकी है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की, कि कितने मंत्री किस पार्टी से होंगे और कैसे होगा, ये तमाम चीजों बात से, हालांकि उसका बाहर आज फाइनल तौर से उस पर मोहर लग जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि आज पूरी संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया जाए और कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। बीजेपी के एमएलए राहुल नरवेकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अब तो जैसे सब कुछ ऑपरेशन लोटस के तहत होता चला जा रहा है, आपकी पार्टी के लिए मन मुताबिक चीजें होती जा रही हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण होगा या नहीं ये सवाल भी बना हुआ है, उसके बाद किस तरीके से सरकार फॉर्मेशन किया जाएगा, किस तरीके से आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता की विजय है। और महाराष्ट्र की जनता ने 2019 में जो मैंडेट दिया था शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के युति को सरकार में लाने का, और जिस मैंडेट का अपमान किया गया था, उसे आज सुधारने का काम सम्मान्य एकनाथ शिंदे साहब और उनके साथियों ने मिलकर किया है, और मैं इसका स्वागत करता हूं और तमाम महाराष्ट्र के वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी
महाराष्ट्र विधानसभा लौटू की आपके पास। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आज रात भी फडणवीस का शपथ ग्रहण हो सकता है, आज देर रात वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि पहले खबर आई थी कल यानी कि 1 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन आज देर रात भी शपथ ले सकते हैं फडणवीस। राहुल नार्वेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं से जान लेते हैं। राहुल जी, आज रात में हो रहा है क्या शपथ ग्रहण? देखिए, इसमें काफी फॉर्मेलिटीज रहती है। पहले तो विधिमंडल गठ की बैठक होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड के और से जो निर्देश आते हैं उस प्रकार से आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र विधिमंडल का सबसे बड़ा गठ है, स्वाभाविक रूप से राज्यपाल जी उन्हें हमें आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। और हमारे गठ के नेता सम्मान्य देवेंद्र जी फडणवीस है, तो स्वाभाविक रूप से जल्द ही देवेंद्र जी शपथ लेंगे। एक बात बताइए राहुल जी, शिंदे कैंप को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, बीजेपी कितने रखेगी, इस बात पर सहमति बन गई है आपसी? नहीं, अभी इस बात के ऊपर कोई चर्चा हुई नहीं है। ये पूरे निर्णय जो है वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और महाराष्ट्र की कोर कमेटी मिलकर लेगी। और आज जो कोर कमेटी में फैसले लिए जाने हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी आज? नहीं, अभी तो सरकार गिरी है, नई सरकार बनाने की जरूरत है। ये सरकार किस प्रकार की होगी, उसमें क्या, इस सरकार का रूप क्या होगा, इन सब बातों पे चर्चा होगी। क्या बीजेपी को इस बात का आत्मविश्वास था कि फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो जाएगा? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री जिसे विश्वास होता है कि उसके बाद बहुमत है, वह बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर पे आता है। लेकिन ये स्पष्ट था पहले से ही कि शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के पास बहुमत नहीं था, तो मुझे नहीं, इसमें कोई और विषय ही नहीं था। जब बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो बहुमत की परीक्षा लेकर क्या उपयोग होने वाला है, तो ये काफी क्लियर था। और इसके पहले भी हमने काफी प्रेसिडेंट देखे हैं, जब भी बहुमत सिद्ध करना मुमकिन नहीं होता है तब मुख्यमंत्री इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं गोवा से। आशुतोष, स्थिति कब तक स्पष्ट हो पाएगी, कब लौटेंगे सारे विधायक इधर मुंबई? देखिए, अब शपथ ग्रहण की जो तारीख थी, जब तक ये जानकारी थी कि वो कल होगा, तो ये माना जा रहा था कि कल सुबह 8:30 बजे तमाम विधायक निकलेंगे। एकनाथ शिंदे को आज रात ही निकलना था क्योंकि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तैयारियां जाहिर है वो भी उसका हिस्सा जरूर बनेंगे। लेकिन औपचारिक तरीके से बीजेपी कैसे ये कह सकती है कि देखिए सारी बातें हो गई हैं? जाहिर है ये सारी बातें पहले सुनिश्चित होती हैं कि कौन कहां किस पद पर होगा, तभी आगे आप कदम बढ़ाते हैं। लेकिन आपको ये भी बताऊं, कल ये तमाम सारे विधायक यहां 9:30 बजे पहुंचे थे, यहां गोवा के मुख्यमंत्री मौजूद थे, गोवा के जो बीजेपी के इंचार्ज है वो यहां मौजूद थे। अब सोचिए, दो बड़े नेता राज्य के स्वागत करने के लिए तमाम विधायकों का यहां होटल पर पहले से ही मौजूद थे। जाहिर है सारी तैयारियां पहले पूरी हो चुकी होंगी। अब आज जब बैठक होंगी, इनको भी अगर समर्थन देना है तो किसी तरह का औपचारिक प्रस्ताव या रेजोल्यूशन लेकर के आना होगा, वो एक प्रक्रिया रह जाती है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि अगर शपथ ग्रहण आज रात को ही है तो हो सकता है एकनाथ शिंदे और पहले यहां से निकले, लेकिन दोनों बैठ के यहां पर होंगी। और बाकी के जो विधायक हैं, अब ये भी तय होगा कि अगर सिर्फ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है तब तो एकनाथ शिंदे और एक दो लोग और जा सकते हैं, लेकिन अगर और भी लोगों को एक साथ शपथ ग्रहण का हिस्सा बनाया जाना है फिर तो लगभग सभी विधायकों को आज शाम को निकलना होगा। लेकिन फिलहाल इनके अभी यहां से निकलने की जानकारी नहीं है। अभी तक हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक दो बैठकें होनी है, उन दोनों के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और साथ में अगर इन्हें संदेश दिया जाता या न्योता होता, क्योंकि अगर आपको याद हो कल ही बीजेपी के जो नेता हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने ये कहा था कि अभी जो लोग गोवा में हैं उन्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है, शपथ ग्रहण के दिन पहुंचे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि सारी निगाहें इस वक्त शिंदे कैंप पर टिकी हुई है। हमारे सहयोगी श्वेता सिंह ने शिंदे कैंप के दीपक केसरकर से बातचीत की, सुनिए। ये दीपक केसरकर जो कि शिंदे गुट के विधायक हैं, बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। दीपक जी, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मैडम, ये क्या हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है? वो हमारे नेता थे, ये एमवीए के जो घटक पक्ष है उन्होंने एक गैप बनाई जो विधायक है उनमें और हमारे लीडर में। और मैं 2 दिन के पहले भी मैं बोल रहा था कि आप पहले एमवीए को बर्खास्त कीजिए, फिर हम लोग आपके पास बात कर सकते हैं। लेकिन वो लास्ट तक खींचा गया, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। तो ये कोई हमारे लिए खुशी की बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग अभी भी शिंदे साहब अपने विधायकों के साथ बैठेंगे,
और महाराष्ट्र के हित में जो भी होगा वो अच्छा निर्णय वो ले लेंगे, लेकिन ये करने की उनकी जो साजिश थी वो साजिश आज पूरी हो गई। एक तो उद्धव साहब सीएम नहीं बनना चाहते थे, उनको जबरदस्ती सीएम बनाया, फिर उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, और ये जो हम बोल रहे थे वो ये हम नहीं सुने। देखिए वो भी इस्तीफा देना चाहते थे, पवार साहब ने उनको इस्तीफा देने को नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट तब उनको रोक के रखा। एक ग्रेसफुल रहता है शिवसेना का निर्णय, तो वो सब ग्रेस कम करने तक का काम ये भी मेरे ख्याल में उनके जो सहयोगी दल है उन्होंने किया है, और हम इसके लिए बिल्कुल ये नहीं है जिम्मेदार नहीं है। हमारी जो यूनिटी है वो आज भी काम है, कायम है, और वो महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में वो जो भी करना है हम लोग करेंगे। उद्धव जी ने तो ये कहा कि जिन लोगों से उनको डर था कि वो धोखा न दे दें, और कहा जाता था कि वो धोखा दे सकते हैं, वो लोग साथ में खड़े रहे, एनसीपी और कांग्रेस और उनके अपनों ने उनके साथ ये दगाबाजी की। ऐसे कैसे बोल सकते हैं मैडम? देखिए मैं खुद इतना उनका करीबी हूँ, मैं 6-6 महीने से उनको नहीं मिल सक रहा हूँ। ये तो उनको या तो उनके जो सहयोगी साथी है उन्होंने एंगेज कर दिया, और उनका जो ऑफिस था वो ऑफिस बिल्कुल एमएलए को एंटरटेन नहीं कर रहा था, इसलिए दूरियां बढ़ी। ये बिल्कुल नहीं कि उनके लिए हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं 2 दिन पहले मैंने अपील किया था कि एनवीए आप बर्खास्त कीजिए, हम लोग मुंबई आ जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहाँ किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया एनवीए का और वो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो कल सुबह ही मैंने अनाउंस किया था, तो अब हम हमारे सब दरवाजे बंद हो गए, अब तो फ्लोर टेस्ट ही होगा। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो गट नेता है और हमारे 50 MLA है उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और मैं सचमुच हृदय से बोल रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और ये सब हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश हुई, फिर हमारे खिलाफ जो डंडे शब्द निकाले गए तो उनको रोकना चाहिए था साहब ने, लेकिन वो हुआ नहीं, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये सच्चाई सब लोगों ने देखी है, पूरे इंडिया के लोगों ने देखी है, तो मैं ऐसे नहीं समझता कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये जो दूरी बनाई गई ये दूरी इसके लिए जिम्मेदार है। तो जो दूरी बन गई है उसके लिए उद्धव सरकार जिम्मेदार थी, ये दीपक केसरकर साफ तौर पर कहते हुए उनका ये कहना था कि हमने कुछ नहीं किया है, पहले से ही ये दूरियां ये खाई आ गई थी, हमने बस अब आगे जाकर बीजेपी का हाथ थामा है। आजाद शपथ ग्रहण के आसार हैं, ये अब खबरें आ रही हैं कि आज देर रात फडणवीस का शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि आज सुबह ही 11 बजे कोर कमेटी की जो बैठक होनी है उसमें ही ये फैसला लिया जाएगा कि कब शपथ ग्रहण हो। फडणवीस के आवास पर ये बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल होने वाले हैं, गठबंधन दलों के साथ भी बीजेपी की बैठक होनी है। राहुल नार्वेकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी आपको इस बारे में जानकारी है, रात में ही हो रहा है शपथ ग्रहण? देखिए शपथ ग्रहण तो कुछ ही आज कल परसों जब होना है तो हो ही जाएगा, लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र की जनता को जिस सरकार की अपेक्षा थी, जिस सरकार के लिए उन्होंने मतदान किया था 2019 में, वो सरकार आज महाराष्ट्र को प्राप्त हो रही है, इसलिए महाराष्ट्रवासियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा दिन है ऐसे मैं समझता हूँ। और जहां तक शपथ विधि का सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए वही प्रमुख और अकेले दावेदार है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये एकाध दिन की बात है, निश्चित रूप से पार्टी इसके ऊपर उचित निर्णय लेगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। हो सकता है कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला ले लिया जाए। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, शिंदे संबोधित कर सकते हैं अपने बागी विधायकों को, इस तरह की खबरें आ रही हैं? मैंने बताया था दो जो बैठकें हैं, एक तो 11 बजे और दूसरी 2 बजे। इन बैठकों में आखिरी बार, क्योंकि उन्हें विधायकों से अगर एक प्रस्ताव लेना है तो उस प्रस्ताव के पहले एक औपचारिक प्रक्रिया रह जाती है, तो अपने तमाम बागी विधायकों को वो संबोधित करेंगे और फिर बताएंगे कि आखिर देखिए आप बीजेपी को समर्थन देना है और उसका तरीका क्या होगा
उस पर एक अहम चर्चा होनी है, क्योंकि कुल मिलाकर के तस्वीर साफ है, कुछ बचा नहीं है। तो बस जो औपचारिकता रह गई है वो मात्र वही है कि आप, क्योंकि उन सभी विधायकों को मुंबई भी जाना है, उसके बाद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जाना है। चूंकि शिवसेना की ओर से, उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, जाहिर है जनता के बीच जाकर के उन्हें उस पर भी स्पष्टीकरण देना होगा, उस पर भी बात करनी होगी। एक लंबी रणनीति, क्योंकि ये सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, ढाई साल के भीतर अगर आपको फिर चुनाव में जाना है तो बहुत सारी रणनीतियों को लेकर के आगे चलना होगा, इनको अपनी विधानसभाओं में जाना होगा, उसी को लेकर के एकनाथ शिंदे संबोधित करेंगे अपने तमाम बागी विधायकों को। साथ के साथ इस पर भी और नजर रखी जा रही है इस कैंप द्वारा कि और कितने निर्दलीय हैं जो इस समय बीजेपी और शिंदे ग्रुप के साथ अगर सरकार का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सामने आ सकते हैं। लेकिन रही बात, क्योंकि देखिए ढाई साल पहले तड़के सुबह शपथ ग्रहण हुई थी और अब जो जानकारी आप बता रही हैं कि आज देर रात शपथ ग्रहण हो सकती है, तो इसमें यह भी है कि शपथ ग्रहण सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर शपथ ग्रहण होना है तो क्या सिर्फ मुख्यमंत्री का होना है, और जो पहले कयास थे कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो क्या इन दोनों का शपथ ग्रहण होना है या साथ में कुछ कैबिनेट के चेहरे भी होंगे जिनका एक साथ शपथ ग्रहण होना है। इन्हीं सब जानकारियों पर जब तक एक स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आती उस पर यह निर्भर करेगा कि ये तमाम जो विधायक मेरे पीछे यहां गोवा के इस ताज होटल में हैं, इनमें से कितने लोग यहां से आज निकलेंगे। लेकिन जो जानकारी है वो ये कि संबोधन के बाद औपचारिक जो रेजोल्यूशन होगा एकनाथ शिंदे गुट की ओर से, उसको लेकर के एकनाथ शिंदे आज शाम मुंबई रवाना हो सकते हैं। बाकी के विधायकों का जाना या ना जाना यह इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, महाराष्ट्र की सियासी हलचल के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि सियासी हालात लगातार बदल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस आज देर रात ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 2 जुलाई से पहले उनका शपथ ग्रहण तय है, यानी कि आज नहीं तो कल शपथ ग्रहण हो ही जाएगा। 2 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होनी है जिसमें बतौर मुख्यमंत्री शामिल होंगे, ये बात सामने आ रही है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। बैठक के बाद फडणवीस अपने अगले एक्शन प्लान के बारे में पत्ते खोलेंगे। उधर गोवा में मौजूदा बागी विधायकों की बैठक होने वाली है जिसे एकनाथ शिंदे एड्रेस करेंगे। मुंबई रवानगी से पहले होने वाली इस बैठक को एकनाथ शिंदे द्वारा संबोधित किया जाएगा। अशोक सिंगल मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। अशोक, कोर कमेटी में ही फैसला हो जाएगा आज रात नहीं तो कल, शपथ ग्रहण तय? बिल्कुल, शपथ ग्रहण तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज रात को होना या कल होना, इस बारे में आज एक बार बैठक में फाइनल तौर से डिस्कस करके निर्णय ले लिया जाएगा और आज ही देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुने जाने की पूरी संभावना है। आज ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो फिर रात को या कल शपथ देवेंद्र फडणवीस ले सकते हैं, क्योंकि तमाम चीजें पहले से ही तैयार थी। सब ये दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, कि देवेंद्र फंड उद्धव ठाकरे की सरकार माइनॉरिटी में है और इसीलिए कल उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया फ्लोर टेस्ट से पहले। वो भी जान चुके थे कि उनके पास बहुमत नहीं है और बहुमत नहीं है तो पहले से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर तमाम तैयारियां, तमाम रणनीति बना रहे थे। सरकार फॉर्मेशन को लेकर भी बातचीत हो चुकी थी और आज अंतिम रूप दिया जाना है, क्योंकि जो बीजेपी की बैठक होगी उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की बैठक होगी, फिर सहयोगियों के साथ देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की बैठक होगी, उसमें नेता चुनने के बाद फिर ये लोग आगे बढ़ेंगे कि आज रात को शपथ ग्रहण करें या कल करें। लेकिन अशोक हो जाएगा शपथ ग्रहण, देवेंद्र फडणवीस को चुना जा सकता है। जी बताइए, आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे। अशोक, ये कहा जा रहा है कि 2 जुलाई से पहले ही शपथ ग्रहण पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि हैदराबाद में जो बैठक होनी है उसमें बतौर मुख्यमंत्री फडणवीस शामिल होंगे। नहीं देखिए, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता के तौर पे भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब कोई चीज बची नहीं है, तमाम चीजें हो चुकी हैं और इसीलिए आप अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को ही तय करना है कि कब मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन इस बारे में बातचीत हो चुकी है, आज एक औपचारिकता है बैठक की, बीजेपी की बैठक होगी, फिर एकनाथ शिंदे गुट के साथ बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाना है और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, क्योंकि 2 और 3 तारीख को हैदराबाद में हो रही है तो बीजेपी के जो कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब जाते हैं। तो मुख्यमंत्री अगर आज रात को शपथ हो जाती है देवेंद्र फडणवीस की या कल होती है तो वो 2 या 3 तारीख को वहां शामिल होंगे। अगर शपथ नहीं होती, लेकिन क्योंकि शपथ ना होने की कोई वजह नहीं लगती आज या कल में, क्योंकि कल से ही खबरें आ रही थी कि 1 तारीख को देवेंद्र फडणवीस की
शपथ हो जाएगी, वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो एक को भी शपथ लेंगे तो दो को वो वहां जाएंगे, क्योंकि देश भर के जो टॉप लीडरशिप है, जो कार्यकारिणी मेंबर्स के अलावा मुख्यमंत्री हैं, सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको भी फिर जाना होगा वहां पर, और दूसरे लीडर जो है बीजेपी के महाराष्ट्र के, क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि लंबा छिड़ सकता है फ्लोर टेस्ट, अगर आज ना होता तो ये लंबे देखते हुए एक बीच में खबर आई थी कि बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाने से आलाकमान को कहा था कि उनको रहना पड़ेगा महाराष्ट्र में, तो वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब तो चीजें बदल गई हैं, अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और बाकी नेता भी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं और लीडर्स हैं टॉप, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होंगे। तो ये आज तमाम फैसला जो है अशोक, इस बीच उद्धव ठाकरे के लिए कैसे परिस्थितियां कल के बाद पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि फेसबुक पे पहले उन्होंने ऐलान किया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, उसके बाद खुद गाड़ी चलाकर वो राजभवन पहुंचे, राजपाल को इस्तीफा सौंपा, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो पल जब बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण की थी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ, उनकी तस्वीरें मंच पर। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। मी काही घाबरणार नाही, मी डरणार नाही। मुख्यमंत्री पद सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे। तुम्ही चांगले ठाकरे कुटुंबियांना चांगले ओळखता, कोण रिक्षावाले, कोण टपरीवाले, अगदी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल काही हातबट्टीवाले सुद्धा, त्यांना शिवसेना प्रमुखांनी चांगल्या मार्गावरती आणलं, नगरसेवक बनवलं, महापौर बनवलं, आमदार बनवलं, खासदार झाले, मंत्री झाले, मोठी झाली माणसं मोठी झाली, आणि मोठी झाल्यानंतर ज्यांनी आपल्याला मोठं केलं त्यांनाच विसरायला लागली। अभी काम करेंगे, जितना प्यार मिला लोगों का आप देख रहे हो, लोगों की रिस्पॉन्स, लोगों का रिस्पॉन्स देख रहे हो, और सभी को पता है कि सत्य उद्धव साहब के साथ, ये एक भावनात्मक ये प्यार है लोगों का, सामने डिसग्रेसफुल डेथ ऑफ डेमोक्रेसी और यहाँ प्यार मिल रहा है। वहीं तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल देर शाम इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फेसबुक लाइव पर इस्तीफे की घोषणा करने के बाद उद्धव खुद कार ड्राइव करते हुए राजभवन पहुंचे, इस्तीफा सौंपा। महाराष्ट्र की सत्ता की स्टीयरिंग छोड़ने के ऐलान के करीब डेढ़ घंटे बाद उद्धव अपने बेटे आदित्य और तेजस के साथ खुद कार ड्राइव करते हुए कुछ इस अंदाज में राजभवन पहुंचे। उद्धव के काफिले के साथ उनके भरोसेमंद मंत्री अनिल परब भी थे। राजभवन में उद्धव करीब 35 मिनट रहे। ये राजभवन के अंदर की तस्वीर है जहां उद्धव राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा सौंपते नजर आ रहे हैं। कोश्यारी ने फौरन उद्धव का इस्तीफा स्वीकार कर दिया और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने का निर्देश दिया। इस्तीफे के दौरान उद्धव सहज नजर आ रहे थे, आदित्य के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन राजभवन में उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब कुछ उद्धव समर्थक नारेबाजी करने लगे। आसमान से पानी बरस रहा था और महज 2.5 साल के शासन के बाद उद्धव सरकार की विदाई हो रही थी। इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव जब राजभवन से निकले, बारिश के बावजूद अच्छी खासी भीड़ थी, समर्थक उद्धव के समर्थन में नारे लगा रहे थे। मातोश्री पहुंचने से पहले उद्धव रास्ते में खंडेरा महाराष्ट्र मंदिर पहुंचे। आदित्य के साथ मंदिर के भीतर उद्धव करीब 1.5 मिनट रहे। दर्शन के बाद मंदिर से निकले उद्धव चुपचाप गाड़ी में बैठ गए, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, कार के भीतर से हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और मातोश्री के लिए बढ़ गए। लेकिन आज तक के सवालों का जवाब देने के लिए आदित्य जरूर सामने आए। अभी काम करेंगे, जितना प्यार मिला लोगों का आप देख रहे हो, लोगों की रिस्पॉन्स, लोगों का रिस्पॉन्स देख रहे हो, और सभी को पता है कि सत्य उद्धव साहब के साथ, ये एक भावनात्मक ये प्यार है लोगों का, सामने डिसग्रेसफुल
डेथ ऑफ डेमोक्रेसी और यहाँ प्यार मिल रहा है। सियासत में प्रतीकों की अपनी अहमियत है। इस्तीफा देने के बाद मंदिर जाकर जहां उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा पर अड़िग रहने का संदेश देने की कोशिश की, वहीं खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि बेशक सूबे की कमान उनके हाथ से निकल गई है, लेकिन पार्टी की कमान उनके ही हाथों में है। विद्या के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कहां चली एकनाथ शिंदे की चाल, कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके अपने खेमे में बागी विधायकों को शामिल किया, क्योंकि शिवसेना के भीतर वो लंबे वक्त से थे, असंतुष्टों को एकजुट करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। इसके बाद हमने देखा है कि कैसे बगावत की भनक भी उद्धव ठाकरे को नहीं लगी। कल उद्धव ठाकरे ने खुद इस बात का जिक्र किया अपने फेसबुक लाइव में, अंत तक बागियों को एकनाथ शिंदे ने ही एकजुट रखा। गुवाहाटी के उस होटल की तस्वीरें याद रखिए जहां पर एक एक करके ये बागी विधायक पहुंचते रहे, बीजेपी के साथ भी उनकी बातचीत चलती रही, लेकिन शिवसेना के भीतर क्या कुछ चल रहा था इस बात की भनक भी नहीं लगने दी। अब आइए आपको दिखा देते हैं कि पवार कहां चूक गए, कहां वो फेल हुए, क्योंकि बगावत को कम आंकने में वो सक्षम नहीं रहे। बगावत को कम आंका उन्होंने, उद्धव पर भरोसा करने में फेल हो गए। लगातार ही कहते रहे कि शिवसेना का अंदरूनी मामला है, नंबर गेम मैनेज करने में वो फेल हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते हुए पवार दिखाई दिए। सरकार पर संकट भांपने में भी वो फेल दिखाई दिए। और लगातार वार पलटवार की स्थिति बनी हुई है बीजेपी खेमे से, क्या कुछ कहा जा रहा है, एनसीपी ने क्या कहा, सुनिए। 100% विश्वासघात है। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को कानूनन संविधानिक चुना गया कार्याध्यक्ष करके, पहले वर्किंग प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट करके चुना गया। अब ये सारी चीजें शिवसेना पार्टी के चिप कौन है, शिवसेना की डिसिप्लिन खुद की अलग है और इस तरह से काम करते है, उसको देखकर अगर कुछ दर्द था तो वहां जाके बोलना था, पराए घर में जाकर अपना दर्द बोलना तभी तो विश्वासघात है। वहीं से तो शुरुआत हुआ ना। आप आसरा कहां ले रहे हो? आसरा भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में ले रहे हो, वो गुजरात होने दो या असम होने दो, तभी पता चलता है ना इसके पीछे कौन खेल खेल रहा है, वो भी तो पता चलता है। अंततः सत्य का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की सरकार अपने अहंकार को चलते हुए विगत 9 दिनों से लोगों के पेशेंस का इंतजार कर रही थी। जब तुम्हारे पास बहुमत के आंकड़े नहीं है, विधायक छोड़ के चले जाए हम समझ सकते हैं, इनको तो इनके कैबिनेट मंत्री छोड़ करके गए। देश में किसी प्रांत में आपने देखा कि इतनी बड़ी मात्रा में कैबिनेट मंत्री छोड़ के जा रहे? इस सरकार को एक पल भर भी अपने कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2.5 साल पहले जब उद्धव ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सबको चौंकाते हुए जिस तरह सरकार बनाई थी, किसने सोचा था कि उद्धव की कुर्सी के नीचे कारपेट कांग्रेस या एनसीपी नहीं, उनके अपने विधायक खींच लेंगे। मैं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की 28 नवंबर 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। खबरें ये आई कि उद्धव ठाकरे सीएम बनना भी नहीं चाहते थे, वो तो एकनाथ शिंदे का नाम आगे कर रहे थे, पर एनसीपी मुखिया शरद पवार ने उद्धव को ये समझा कर राजी किया कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों की सरकार चलाने के लिए आपको ही सीएम बनना चाहिए। उद्धव के गद्दी संभालने के 3 महीने के भीतर ही कोरोना की दस्तक हुई। ठाकरे ने संक्रमण ना फैले इसके लिए खूब प्रतिबंध लगाए और लंबे समय तक लगाए, इसके लिए उनकी आलोचना हुई, पर सच्चाई ये है कि दिल्ली या दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौतें नहीं हुई। पर सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में नौकरी और पढ़ाई में मराठों को दिए आरक्षण पर रोक लगाना इस सरकार पर भारी पड़ा। महाराष्ट्र की 13 करोड़ की आबादी में 30% मराठा है और बीजेपी ने हमेशा उद्धव ठाकरे को ये आरोप लगाकर घेरा कि उनकी सरकार ने कोर्ट में मजबूती से आरक्षण की पैरवी नहीं की। फिर भी महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी जो बात है वो सही तरीके से ना रखने की वजह से आज ओबीसी पे अन्याय हुआ है, इस पर हम बहुत जोर से आवाज उठाएंगे। ठाकरे सरकार की सबसे ज्यादा किरकिरी करने वाला केस हुआ अंबानी के घर के सामने विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलने का।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित घर के सामने जिलेटिन की छड़ें भरी एक गाड़ी मिली। ठाणे के एक बिजनेसमैन हीरेन मनसुख ने कहा कि ये गाड़ी उसकी है और कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। इसके बाद ठाणे क्रीक में हीरेन मनसुख का शव मिला, जिसके बाद केस की जांच कर रहे ऑफिसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और परमबीर सिंह का मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से तबादला। इससे भन्नाए परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अफसरों से 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने परमबीर के आरोपों की जांच कर देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया। अनिल देशमुख आरोपों से इनकार करते रहे, पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बाद में ईडी के हाथों उनकी गिरफ्तारी हुई। इस दौरान उद्धव ठाकरे सरकार की बड़ी फजीहत हुई थी। गृह मंत्री जेल चला गया, पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह फरार चल रहे थे। एमवीए का आरोप था कि बीजेपी सबके पीछे है और सरकार को स्थिर करने की कोशिश कर रही है। कुछ महीने पहले एमवीए सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक भी ईडी के हाथों गिरफ्तार हो गए। मोदी जी से मेरा ये निवेदन है, क्या यही आपकी डेमोक्रेसी है? आप इमरजेंसी के बारे में बड़े बड़े भाषण देते हो, आक्रोश करते हो, और ये आपकी एजेंसी? अरे हमसे लड़ो ना। जिस दिन मेरे रिलेटिव्स के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर रेड्स हो रही थी और इनोसेंट लोगों को पकड़कर लेके जा रहे थे, उस रात को मैंने अमित शाह जी को फोन किया था। महाविकास आघाड़ी सरकार में सबसे ज्यादा असंतुष्ट कांग्रेस रही। कभी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। वीर सावरकर हो या औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का मुद्दा, कांग्रेस से शिवसेना के वैचारिक मतभेद सामने आते रहे। कांग्रेस की हमेशा ये शिकायत भी रही कि एनसीपी के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय है। एनसीपी को ज्यादा तवज्जो मिलने की शिकायतें शिवसेना विधायकों से भी आई। महाविकास आघाड़ी को पहले दिन से ही एक बेमेल गठबंधन माना गया। इस सरकार के जाने से ज्यादा हैरानी तब होती जब ये अपने 5 साल पूरे कर लेती। आज तक ब्यूरो।